भाग 17। अवचेतन मन की प्रवृत्ति जीवन रक्षा है। आपके मानसिक जीवन का 90% जीवन अवचेतन है। इसीलिए जो स्त्री और पुरुष इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते, उनका जीवन अभावों में बीतता है। आपकी अवचेतन प्रक्रियाएं हमेशा जीवन रक्षक और रचनात्मक होती हैं। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और उसके सभी प्रमुख कार्यों को बनाए रखता है। वो दिन के 24 घंटे काम करता रहता है और कभी नहीं सोता। वो हमेशा सहायता करने का प्रयास करता है और नुकसान से आपकी रक्षा करता है। आपके अवचेतन मन का संपर्क असीमित जीवन और ज्ञान के अपार भंडार से है और इसकी भावना व विचार हमेशा जीवन रक्षक होते हैं। उत्तम और शानदार जीवन की अभिलाषाएं, प्रेरणाएं एवं सपने अवचेतन मन में पैदा होते हैं। आपके गहन विश्वासों की वास्तविकता पर आप तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वे आपके चेतन मन से नहीं आते हैं, वे अवचेतन मन से आते हैं, जो आवेगों, संदेशों और प्रेरणाओं तथा विचारों के माध्यम से आपसे बात करता है, और वो हमेशा आपको आगे बढ़ने, ऊंचाइयों को छूने, उत्कृष्ट बनने, विकसित होने, जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करता है। प्यार करने की ललक, दूसरे का जीवन बचाने की इच्छा अवचेतन मन की गहराइयों से आती है। उदाहरण के लिए, अप्रैल 1906 में सैन फ्रांसिस्को में जो भयानक भूकंप आया, उसमें घायल व अपंग हुए लोगों ने, जो एक लंबे समय से बिस्तरों में पड़े हुए थे, उठकर बहादुरी और कठोर मेहनत के आश्चर्यजनक काम किए। उनमें लोगों को हर हाल में बचाने की उत्कृष्ट इच्छा ने उनमें नया जीवन फूंक दिया और अवचेतन मन ने उनके अनुकूल काम किया। महान कलाकार, संगीतकार, कवि, वक्ता तथा लेखक अपने अवचेतन मन की तरंगों से प्रेरित होकर अपनी रचनाओं को आकार प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन सोने से पहले अवचेतन मन को यह काम सौंपते थे कि जब वे सो रहे होते हैं, उस समय वो उनकी कहानी का प्लॉट तैयार करें। उन्हें आदत थी कि जब भी उनका बैंक अकाउंट घटकर नीचे आ जाया करता था, तो वे अवचेतन मन से कहते थे कि वे उन्हें ऐसा रोमांचकारी प्लॉट दे, ताकि उसे लिखकर वे कुछ पैसे कमा सकें। स्टीवेंसन कहते हैं कि उनके अंतर्मन का ज्ञान सीरियल की तरह एक के बाद एक ऐसे प्लॉट दिया करता था, जिस साबित करता है कि अवचेतन मन कैसे विवेकपूर्ण कार्यों में लीन रहता है, जिसका ज्ञान आपके चेतन मन को नहीं रहता। मार्क ट्वेन ने कई अवसरों पर कहा है कि उसने जीवन में कभी काम नहीं किया, उसने जो कुछ लिखा है वो उसके अवचेतन मन से मिला है। आपके चेतन और अवचेतन मन के आदान प्रदान में इसी प्रकार का योगदान दोनों के स्नायुमंडल का भी होता है। चेतन मन का अंग सेरिब्रोस्पाइनल सिस्टम अर्थात मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का स्नायुमंडल है। इसी प्रकार अवचेतन मन का अंग सहानुभूति प्रणाली है। सेरिब्रोस्पाइनल सिस्टम वो संपर्क चैनल है जिसके माध्यम से आप शरीर की 5 इंद्रियों से जनित छवियां प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त ये चैनल आपके शरीर की क्रियाओं पर भी नियंत्रण रखता है। इस प्रणाली की नसें मस्तिष्क में है। यही चैनल आपकी इच्छा शक्ति और चेतन मानसिक कर्म की भी है। इसका केंद्र बिंदु पेट के पीछे एक नाड़ी तंत्र में है, जिसे सोलर प्लेक्सस अर्थात स्नायु तंतु जाल या उदर मस्तिष्क भी कहते हैं। ये मानसिक क्रिया का चैनल है, जो अवचेतन रूप में शरीर के प्रमुख कार्यों में सहयोग देता है। ये दोनों प्रणालियां अलग अलग या मिलकर काम करती हैं। न्यायाधीश थॉमस ट्रोवार्ड कहते हैं, एक छोटी सी नस मस्तिष्क से स्वैच्छिक प्रणाली के एक अंग के रूप में निकलती है, जिसके माध्यम से हम वाणी पर नियंत्रण रखते हैं। वो आगे चलकर सीने में जाती है और अपनी शाखाओं को हृदय एवं फेफड़ों में भेजती है। अंत में सीने और पेट के मध्य से गुजरती है। वहां वो स्वैच्छिक प्रणाली का स्वरूप छोड़कर सहानुभूति प्रणाली में विलीन होकर दोनों प्रणालियों के बीच एक लिंक बनकर मनुष्य को शारीरिक रूप से एकल इकाई का स्वरूप प्रदान करती है। इसी प्रकार मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्र मन की उद्देश्य सूचक और व्यक्ति सूचक गतिविधियों के अनुकूल अपने संपर्क बनाते हैं, और साधारण शब्दों में कहें तो मस्तिष्क के सामने वाले भाग को उद्देश्य सूचक और पीछे वाले भाग को विषय सूचक कह सकते हैं, जबकि बीच का भाग, जिसे मध्य भाग कहते हैं, दोनों के कार्यों में भाग लेता है। मानसिक और शारीरिक पारस्परिक लेन देन को आसानी से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आपका चेतन मन जब एक विचार को ग्रहण करता है, तो उसकी झनकार नसों की स्वैच्छिक प्रणाली को प्रेरित करती है।
जो अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप नसों की स्वैच्छिक प्रणाली में इसी प्रकार की लहर बनाती है और अंततः उस विचार को आपके अवचेतन मन को सौंप देती है, जो रचना का माध्यम है। इस प्रकार आपके विचार जीवंत रूप लेते हैं। आपके चेतन मन की ओर से ग्रहण किया गया और उसे सच मानकर स्वीकार किया गया प्रत्येक विचार आपके मस्तिष्क की ओर से आपके स्नायु नाड़ी ग्रंथि को भेजा जाता है, जो आपके अवचेतन मन का मस्तिष्क है और जो उसे आपके जीवन में एक यथार्थ के रूप में उपस्थित करता है। जब आप स्नायु मंडल प्रणाली और आंख, नाक, कान, यकृत, हृदय, ब्लैडर आदि अंगों की रचना का अध्ययन करते हैं, आपको पता चलता है कि ये स्नायु के समूह हैं, जो मिलकर विवेक का समूह बनाते हैं, दोनों सुझावों पर आधारित निष्कर्षों का पालन करते हैं। यदि आप एक स्नायु संगठन का निकटता से अध्ययन करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपका ये विशाल शरीर कैसे चलता है। एक स्नायु संगठन का कोई अंग नहीं है, फिर भी वो आपके अंगों के कामकाज में उनकी गति को तेज या धीमी करने जैसे बुनियादी कार्य में मस्तिष्क की भूमिका अदा करता है। अनेक लोग कहते हैं कि आपके शरीर में एक विवेक है, जो यदि आप अपने शरीर को छोड़ दें तो वो स्वयं उसकी देखभाल करेगा। यही सही है, किंतु दिक्कत यह है कि चेतन मन अपनी 5 कार्यवाहियों के माध्यम से हमेशा उसके कार्य में बाधा पहुंचाता रहता है। इंद्रियों की कार्यवाहियों में झूठी आस्थाएं, भय और अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियां होती हैं, और जब ऐसी नकारात्मक प्रवृत्तियां मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक दशा में आपके अवचेतन मन में जाती हैं, तब उसे सौंपे गए आधारभूत ब्लूप्रिंट के अनुरूप काम करने के अलावा उसके पास कोई अन्य मार्ग नहीं रह जाता। आपके अंदर का व्यक्तित्व निरंतर सार्वजनिक हित में काम करता है, लेकिन आप इसको बनते हुए न तो देख सकते हैं और न उसकी कोई आवाज सुन सकते हैं और न ही उसका कोई एहसास कर सकते हैं, क्योंकि ये सब एक शांत प्रक्रिया है। आपके अवचेतन मन का अपना एक जीवन है, जो हमेशा सामंजस्य, स्वास्थ्य और शांति की ओर प्रयत्नशील रहता है। उसका दैवी स्वरूप वही है जिसकी अभिव्यक्ति आपके माध्यम से सदैव होती रहती है। भाग 18। प्रेम और सामंजस्य के स्वाभाविक सिद्धांत में मनुष्य कैसे व्यवधान पहुंचाता है। सही और वैज्ञानिक रूप से खरे विचारों के चिंतन के लिए हमें सत्य की जानकारी होनी चाहिए। सत्य को जानने के लिए आपको अवचेतन के असीमित ज्ञान और शक्तियों के सानिध्य में, अर्थात प्रेम और सौहार्द के सामंजस्य में आना होगा, जो हमेशा जीवन की रक्षा के लिए कार्यरत रहता है। ऐसा प्रत्येक विचार और कार्य जो प्रेम और सौहार्द के अनुकूल नहीं है, चाहे वो अज्ञान के कारण हो या जानबूझकर बनाया गया हो, वो सभी प्रकार के मतभेद और अभाव पैदा करेगा। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि आप प्रत्येक 11 महीने बाद एक नया शरीर बनाते हैं, इसीलिए यदि आप एक शारीरिक तिथि से वाकई 11 महीने के हैं और भय, क्रोध और ईर्ष्या के विचारों को दोबारा अपने शरीर में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए और कोई नहीं बल्कि आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप अपने विचारों के प्रतिबिंब हैं, अर्थात वही हैं जो आप सोचते हैं। आप चाहें तो नकारात्मक विचारों और कल्पनाओं को अपने से दूर रख सकते हैं। अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है, सर्दी को दूर करने के लिए गर्मी की जरूरत होती है। बुरे विचारों से छुटकारा उन्हें अच्छे विचारों में बदलने से मिल सकता है। अच्छे विचारों को स्वीकार करें, बुरे विचार गायब हो जाएंगे। बीमार होना क्यों अस्वाभाविक है? एक सामान्य शिशु दुनिया में जन्म लेता है तो वह पूर्णतः स्वस्थ होता है। उसके सभी अंग पूर्ण रूप से काम कर रहे होते हैं। यह सामान्य स्थिति है और हमें स्वस्थ, शक्तिशाली और मजबूत बना रहना चाहिए। अपने को बनाए रखने की इच्छा अपनी प्रकृति की सबसे शक्तिशाली इच्छा है और अपनी प्रकृति में निहित सर्वशक्तिमान, सदा उपस्थित और चलायमान अक्षुण्य सत्य है। इसीलिए ये स्वाभाविक है कि आपके सभी विचारों, धारणाओं एवं आस्थाओं को ये जानते हुए कि वे नैसर्गिक जीवन नियम के सामंजस्य में हैं और जो आपके जीवन की रक्षा करती है, पूरी सक्रियता से काम करना चाहिए। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि शरीर की सामान्य दशा निश्चित रूप से और आसानी से ठीक की जा सकती है। इसके विपरीत असामान्य दशा को लाना मुश्किल होगा। बीमार होना असामान्य है। इसका मतलब है कि आप नकारात्मक सोच रहे हैं और जीवन धारा से विपरीत जा रहे हैं। जीवन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। संपूर्ण प्रकृति शांति में जीवन के सिद्धांत का पालन करती है। जहां विकास और अभिव्यक्ति है,
वहां जीवन का होना अनिवार्य है। जहां जीवन है वहां प्रेम और सौहार्द का होना अनिवार्य है, और जहां सौहार्द व सामंजस्य है वहां पूर्ण स्वास्थ्य है। आपके विचार यदि अवचेतन मन के रचनात्मक नियम के सामंजस्य में है तो आप सामंजस्य के नैसर्गिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। यदि आप ऐसे विचारों को प्रेषित करते हैं जो सामंजस्य के सिद्धांत से मेल नहीं खाते तो ये विचार आपसे लिपटेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपकी चिंता बढ़ाएंगे और अंततः आपको बीमारी के कागार पर ला खड़ा करेंगे। आप बीमार हो जाएंगे और ज्यादा बीमार बने रहे तो मृत्यु की भी आशंका है। बीमारी के उपचार के समय आपको अपने अवचेतन मन से आने वाली प्रबल शक्तियों के प्रवाह को और बढ़ाना चाहिए और उसे अपने शरीर की पूरी कार्य प्रणाली में वितरित करना चाहिए। ये भय, चिंता, घबराहट, ईर्ष्या, घृणा तथा अन्य विध्वंसात्मक विचारों को हटाकर ही किया जा सकता है, जो आपको उन नसों और कोशिकाओं तथा शरीर के तंतुओं को मारने पर तुले रहते हैं जो व्यर्थ की सामग्री को हटाने का काम करते हैं। मार्च 1917 की नॉटिलस पत्रिका में एक बच्चे के ऊपर एक लेख छपा है जिसे पॉट्स डिजीज या रीढ़ की हड्डी में टीबी था और उसका अभूतपूर्व उपचार हुआ। उसका नाम फ्रेडरिक एलियस एंड्रूज था, जो वर्तमान में अमेरिका के कैंसस शहर में स्थित यूनिटी स्कूल ऑफ क्रिश्चियनिटी में पादरी है। उसके डॉक्टर ने कह दिया था कि उसका इलाज नहीं हो सकता। उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और हाथ पैरों के चलने से अपंग और शिथिल अवस्था से उठकर वो मजबूत, शक्तिशाली और शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हो गया। उसने अपनी आस्था को अपने आप बनाया और मानसिक रूप से उन सभी विशेषताओं को मन में स्वीकार किया जिन्हें वो अपने शरीर में देखना चाहता था। उसने दिन में अनेक बार ये स्वीकार किया, मैं संपूर्ण हूँ, प्रेम और सौहार्द में हूँ और खुश हूँ। उसने इस प्रार्थना को बनाए रखा और कहा कि ये प्रार्थना मैं सोने से पहले और सोने से उठकर करता था। उसने अपने प्रेम और स्वास्थ्य के विचारों को प्रेषित करके दूसरों के लिए भी प्रार्थनाएं की। मन का यह व्यवहार और प्रार्थनाओं का फल उसे अनेक बार मिला। उसकी आस्था और दृढ़ विश्वास ने अनेक सफलताएं प्राप्त की। जब कभी भय, क्रोध, ईर्ष्या तथा दुश्मनी उसके पास आना चाहती तो वो अपने मन में उनके विरुद्ध अपनी आस्था और विश्वास पर काम करता। उसका अवचेतन मन उनके विचारों के अनुकूल अपनी शक्तियों का प्रयोग करके प्रेषित विचारों को नष्ट कर देता था। यही बाइबल की पंक्तियों का अर्थ है, आप अपने मार्ग पर चलो, आपकी आस्था ने आपको पूर्ण बनाया है। एक युवक जो मेरे अवचेतन मन की उपचार शक्तियों के व्याख्यान में आता था, उसकी आंख में कोई बड़ा रोग था जिसका इलाज केवल ऑपरेशन से हो सकता था। उस युवक ने अपने आप से कहा, मेरे अवचेतन मन ने मेरी आंखों की रचना की है, वो उसे ठीक कर सकता है। प्रत्येक रात वो सोने से पहले तंद्रा में जाकर शांत मन से कल्पना करता कि डॉक्टर उसके सामने बैठा है और वो सुन रहा है कि डॉक्टर कह रहा है, ये तो चमत्कार हो गया। ये वाक्य वो डॉक्टर के मुंह से हर रात लगभग 5 बार सुनता। 3 सप्ताह बाद वो एक बार फिर डॉक्टर के पास गया जिसने उसे पहले देखा था, और डॉक्टर ने कहा, ये तो चमत्कार हो गया, कैसे हुआ, क्या हुआ और कैसे हुआ। इस युवक ने डॉक्टर को अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए एक यंत्र के रूप में प्रयोग किया, यानी अपने विचारों को विश्वस्त करने या उसे प्रेषित करने के लिए किया। बार बार दोहराने, आस्था और विश्वास के माध्यम से उसने अपने अवचेतन मन को सारगर्भित किया। उसके अवचेतन मन ने उसकी आंख बनाई, उसके पास पूर्ण नमूना था और उसने उसकी आंख का पूर्ण उपचार कर दिया। ये एक और उदाहरण है कि कैसे आपके अवचेतन मन की उपचार शक्ति आपकी आस्था कैसे आपको पूर्ण बना सकती है। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और इस काम में 24 घंटे लगा रहता है। आप इसके जीवनदान के नियम में नकारात्मक विचारों से व्यवधान पहुंचाते हैं। आप अपनी किसी भी समस्या का उत्तर बताने की जिम्मेदारी सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सौंप दें, वो आपको उसका उत्तर देगा। अपने विचारों पर निगरानी रखें। जो भी विचार आप स्वीकार करते हैं उसे आपका मस्तिष्क और ग्रंथि चक्र या उदर मस्तिष्क में पहुंचा देता है, वो अपनी दुनिया में यथार्थ बनकर प्रस्तुत हो जाता है। ये जान लीजिए कि आप अपने अवचेतन मन को एक नया चिट्ठा या ब्लूप्रिंट देकर अपना पुनर्निर्माण कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन की प्रवृत्ति हमेशा जीवन की देखभाल करना है। आपका वास्ता आपके अवचेतन मन से है। अपने अवचेतन मन को ऐसी आशा और अभिलाषाओं को देते रहें जो तार्किक रूप से सच हो। आपका अवचेतन आपकी मानसिक प्रवृत्ति के अनुकूल हमेशा पुनर्निर्माण करता रहता है। आप प्रत्येक 11 महीने में एक नया शरीर बनाते हैं।
अपने विचारों को बदलकर अपने शरीर को बदलें और बदलते रहें। स्वस्थ रहना एक सामान्य अवस्था है, बीमार होना असामान्य है। ये सामंजस्य के नैसर्गिक सिद्धांत में निहित है। ईर्ष्या, भय और व्याकुलता के विचार अपनी नसों और अवयवों को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर देते हैं और विभिन्न प्रकार की मानसिक व्याधि एवं बीमारियां पैदा कर देते हैं। जिन विचारों को आप चेतन मन से स्वीकार करते हैं और महसूस करते हैं कि वो सच हैं, वे आपके मन, शरीर और सभी मामलों में सजीव हो जाते हैं। अच्छे विचार स्वीकार करें और आनंदपूर्ण जीवन का सुख प्राप्त करें। भाग 19, मनचाहे परिणाम कैसे प्राप्त करें। असफलता का प्रमुख कारण विश्वास का अभाव और अंधाधुंध प्रयास है। अनेक व्यक्ति अपनी प्रार्थनाओं को इसलिए रोक देते हैं क्योंकि वे अपने अवचेतन मन की कार्य प्रणाली को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते। जब आप जान लेते हैं कि आपका मन कैसे काम करता है, तब आपका आत्मविश्वास जाग उठता है। आपको याद रखना है कि जब कभी आपका अवचेतन मन कोई विचार स्वीकार करता है, वो तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देता है। इस काम में वो सभी शक्तिशाली साधनों का प्रयोग करता है और आपके अंतर्मन के सभी मानसिक व आध्यात्मिक सिद्धांतों को लगा देता है। यह सिद्धांत अच्छे और बुरे दोनों विचारों के लिए एक जैसा है। इसीलिए यदि आप नकारात्मक विचारों के लिए प्रयोग करेंगे तो कठिनाई, असफलता और उलझन लाएगा। यदि आप इसका प्रयोग रचनात्मक विचारों के लिए करेंगे तो आपको मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मन की शांति मिलेगी। यदि आपके विचार सकारात्मक, रचनात्मक और प्यार भरे हैं तो सही परिणाम मिलना अनिवार्य है। इससे यह संपूर्ण स्पष्ट हो जाता है कि असफलता पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको केवल यह प्रयास करना है। आपका अवचेतन मन आपके विचार या आपकी मांग को अभी सच मानकर स्वीकार कर ले और आपके मन का सिद्धांत शेष सब काम पूरे कर देगा। मानसिक दबाव का प्रयोग आपके लिए हमेशा असफलता लाएगा। आपका अवचेतन मन दबाव में काम नहीं करता। आपको परिणाम मिलने में असफलता का कारण आपके ये वक्तव्य भी हो सकते हैं, जैसे मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा, सब व्यर्थ है, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। जब आप ये वाक्य बोलते हैं तो आपको अवचेतन मन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, कोई सहयोग नहीं मिलता। जैसे एक सैनिक उलझन में खड़ा हो, न तो आगे जाता है न पीछे। दूसरे शब्दों में आप कहीं भी नहीं जाते। यदि आप कार में बैठते हैं और 5 मिनट में ड्राइवर को आधे दर्जन से ज्यादा विभिन्न दिशाओं में जाने के आदेश देते हैं तो वो उलझन में पड़ जाएगा और शायद आपको ले जाने से इनकार भी कर देगा। ठीक ऐसा ही बर्ताव आप अपने अवचेतन मन से करते हैं तो वो भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। आपके मन में स्पष्ट विचार होना जरूरी है। आपको निश्चित निर्णय लेना चाहिए ताकि समस्या का निदान हो। आपके अवचेतन मन में निहित असीमित ज्ञान को आपकी समस्या का हल मालूम है। जब आप अपने चेतन मन में स्पष्ट निर्णय ले लेंगे और आपका मन उसके लिए तैयार हो जाएगा तो आपकी आस्था के अनुरूप वो उसका समाधान कर देगा। एक मकान मालिक चूल्हे को ठीक करने वाले मिस्त्री से झगड़ा कर रहा था कि चूल्हे की मरम्मत के लिए उसने $200 का बिल कैसे बना दिया। मिस्त्री ने कहा, मैंने एक बोर्ड लगाया जिसके लिए मैंने 5 सेंट लिए हैं, $199 और 95 सेंट, ये पता करने के लिए कि आखिर गड़बड़ कहां थी। इसी प्रकार आपका अवचेतन मन हेड मिस्त्री है, सबसे चतुर व अक्लमंद, जो आपके शरीर के किसी भी अंग या आपके अन्य मामलों के उपचार के तरीके और साधन जानता है। आपको केवल आदेश देना है और आपका अवचेतन मन उसे प्रतिष्ठित कर देगा। आराम से काम आसान होता है। विस्तार में और साधनों में न उलझें, परिणाम पर ध्यान दें। अपनी समस्या के हल की खुशी को महसूस करें, चाहे वो स्वास्थ्य की हो या आर्थिक अथवा रोजगार की हो। उस खुशी का एहसास करें, उस समय की खुशी को याद करें जब आप उस लंबी बीमारी से मुक्त होकर स्वस्थ हुए थे। हमेशा मन में रखें कि आपकी भावना ही वो कड़ी है जो अवचेतन मन में सब काम कराती है। आपका नया विचार पूर्ण परिष्कृत होना चाहिए। कल या भविष्य की बात नहीं, आज की बात करें, जैसे कि पूरा हो चुका है। इच्छा शक्ति की जगह कल्पना का प्रयोग करें। आप जानते हैं कि आपके अवचेतन मन के प्रयोग में कोई विरोधी नहीं है। आप इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करते, आप परिणाम और उसके बाद की स्वतंत्रता की कल्पना करते हैं। आप देखेंगे कि आपका विवेक आपके मार्ग में आएगा, किंतु आप अपना व्यवहार सरल बालक की तरह बनाए रखें, जिसे कि चमत्कार होने का विश्वास होता है। बीमारी या समस्या से पहले की अपनी छवि की कल्पना करो। अपनी चाहत के अनुकूल स्वतंत्रता की भावनाओं को कल्पना में साकार करें।
बीच की सभी उलझनों को नजरों से गायब कर दें। आसान मार्ग उत्तम है। आपके अवचेतन मन से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का चमत्कारी उपाय अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और सभी प्रमुख कार्यों को नियंत्रित करता है। बाइबल कहती है, जो भी आप प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। विश्वास के मायने हैं उसे सच मान लेना। सच की मनस्थिति को बनाए रखेंगे तो आपको प्रार्थना की सफलता का आनंद मिलने लगेगा। आम तरीका इस प्रकार है, समस्या पर एक नजर डालिए। निदान या समस्या के हल के लिए वही उपाय करें जिसकी जानकारी केवल अवचेतन मन के पास है। उस गहन विश्वास में रहें कि काम हो गया। प्रार्थना को इन दो शब्दों से कमजोर ना बनाएं, जैसे बहुत चाहता हूं कि ठीक हो जाऊं, उम्मीद तो है। काम हो जाने की आपकी भावना स्वामी, सौहार्द आपका है, ये भी जाने कि स्वास्थ्य आपका है। बुद्धिमान बनकर अवचेतन मन की असीमित उपचार शक्तियों का वाहक बने। स्वास्थ्य के विचार को दृढ़ विश्वास में बदलकर अपने अवचेतन मन में पहुंचा दें। उसके बाद चिंता मुक्त हो जाएं। अपने को उस पर छोड़ दें। परिस्थिति और दशा से कह दो, ये भी बीत जाएगा। आपके चिंता मुक्त हो जाने से आपका अवचेतन मन गहन रूप से इतना प्रभावित होगा कि उस विचार की गतिमान शक्ति को अपने हाथ में लेकर उसे वास्तविकता में प्रस्तुत कर देगा। फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कोउ ने, जो 40 वर्ष पहले अमेरिका में आए थे, विपरीत प्रयास के सिद्धांत की परिभाषा निम्नलिखित दी है। जब अपनी इच्छा और कल्पना में मतभेद होता है तो जीत हमेशा कल्पना की होती है। मान ले कि आपसे जमीन पर बिछे लकड़ी के तख्ते पर चलने को कहा जाता है। आप उस पर आसानी से चल लेंगे, और अगर उसे 20 फीट ऊंची दीवार पर रखकर आपसे चलने को कहा जाए तो क्या आप चलेंगे? आपके चलने की इच्छा पर गिर जाने की कल्पना हावी हो जाएगी। आपका हावी विचार, जिसकी कल्पना आप मानसिक छवि में अपने को गिरते हुए देखेंगे, जीत जाएगा और आपकी तख्ते पर चलने की इच्छा या प्रयास उलट जाएगा। असफलता का हावी विचार मैदान मार लेगा। मानसिक दबाव या प्रयास आमतौर पर अपने में ही विफल हो जाता है, क्योंकि जो चाहिए उसके विपरीत होने की आशंका बराबर बनी रहती है। इच्छा से निशक्त प्रयास इसीलिए विफल हो जाते हैं क्योंकि आपके अवचेतन मन पर हमेशा हावी विचार का नियंत्रण होता है। आपका अवचेतन मन दोनों के पारस्परिक विरोधी प्रस्तावों में से शक्तिशाली प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, इसलिए बिना प्रयास का मार्ग ही बेहतर है। अगर आप कहते हैं, मैं ठीक होना चाहता हूं पर हो नहीं पा रहा हूं, मैं कितना प्रयास करता हूं लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, कितनी कोशिश करता हूं कि प्रार्थना करूं, मैं अपनी पूरी इच्छा शक्ति को लगा देता हूं, तो आपको ये जान लेना जरूरी है कि आपकी गलती आपके प्रयास में है। अपने अवचेतन मन पर कभी अपना विचार थोपने का प्रयास ना करें, जबरदस्ती ना करें। ऐसा प्रयास हमेशा असफल होगा और आपको ठीक उसके विपरीत मिलेगा जो आपने मांगा था। आमतौर पर ऐसी घटनाएं देखी या सुनी जाती हैं कि परीक्षा हॉल में बैठे छात्र प्रश्न पत्र को पढ़ते समय महसूस करते हैं कि उनका अब तक पढ़ा लिखा सब गायब हो गया, दिमाग खाली हो गया और जितना याद करने का प्रयास कर रहे हैं उतना ही वो दूर होता जा रहा है। सारी इच्छा शक्ति लगा दी पर उत्तर याद ही नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही वे परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हैं, मानसिक दबाव कम होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे सभी प्रश्नों के उत्तर याद आने लगते हैं। कभी किसी विशेष व्यक्ति के नाम या घटना को याद करने की कोशिश करें तो तुरंत याद नहीं आता, जैसे ही सोचना छोड़ देते हैं तो कुछ देर में वो स्वतः याद आ जाता है। अपने ऊपर याद करने का दबाव उसकी असफलता का प्रमुख कारण था। वो विपरीत प्रभाव के सिद्धांत का एक उदाहरण है, जिसमें आप जो मांगते हैं आपको उसके विपरीत मिलता है। मानसिक शक्ति के प्रयोग का अर्थ है कि उसका विरोध मौजूद है। जब आपका मन समस्या के निदान के प्रयासों पर केंद्रित है तो उसे अवरोध से कोई वास्ता नहीं होता है। मैट के अनुसार, यदि किसी वस्तु को आप दोनों चाहते हैं और दोनों उस पर हाथ लगाते हैं तो ईश्वर आपको जरूर देगा। ये दोनों कौन है? इसका अर्थ है किसी विचार, इच्छा या मानसिक छवि पर आपका चेतन और अवचेतन मन के बीच का समझौता या सामंजस्यपूर्ण एकता। जब आपके दोनों में से किसी मन में झगड़ा या टकराव नहीं है तो आपकी प्रार्थना का फल मिलेगा। दोनों एकता स्वीकार करने वाले मन अपनी इच्छा, आपके विचार एवं आपकी भावना और आपके अनुभवों का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। जब आप प्रार्थना की तंद्रा या सुषुप्त अवस्था में जाते हैं
तो अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं के बीच सभी मतभेदों से दूर रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके सभी प्रयास समाप्त प्राय हो जाते हैं। निद्रा की अवस्था में आपका चेतन मन बड़े पैमाने पर निष्काम हो जाता है, अर्थात विलीन हो जाता है। अवचेतन मन को सारगर्भित करने का सर्वोत्तम समय सोने से पूर्व होता है। इसका कारण यह है कि सोने से पूर्व और सोने से उठने के तुरंत बाद अवचेतन मन में बसे हुए सभी नकारात्मक विचार एवं दूषित कल्पनाएं जो आपके विचारों को आने से रोकते हैं बाहर निकल जाते हैं। जब आप अपने विचार की वास्तविकता की कल्पना करते हुए उसके पूरे होने की भावना से रोमांचित होते हैं, आपका अवचेतन मन आपकी इच्छा को मूर्तिमान करने में जुट जाता है। आगे दिया गया उदाहरण यह स्पष्ट कर देगा कि कैसे एक युवती ने अपनी इच्छा और कल्पना के झगड़े पर विजय प्राप्त कर ली। वो चाहती थी कि उसके कानूनी केस का सामंजस्यपूर्ण हल निकल आए, किंतु उसकी मानसिक कल्पना उसे हमेशा विफल कर रही थी। उसे नुकसान, दिवालियेपन और गरीबी का भय दिखा रही थी। वो जानती थी कि उसकी मानसिक कल्पना को उसके हृदय की इच्छा को स्वीकार करना होगा। सोने से पहले उसने अपने मन में एक सजीव चित्र बनाना शुरू किया, जैसे वो अपने वकील से केस पर चर्चा कर रही है। वो प्रश्न कर रही है और वकील उत्तर दे रहा है। वो बार बार कह रहा है कि केस का बहुत बढ़िया एवं सामंजस्यपूर्ण हल निकल आया है, कोर्ट के बाहर समझौता हो गया है। दिन में जब भी भय के विचार आते तो वो फौरन अपनी मानसिक छवि को बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ध्वनि, आवाज और बातचीत के संकेतों सहित मन में दोहराती। वो आसानी से अपनी आवाज की ध्वनि, अपनी मुस्कान और हाव भाव की कल्पना करती। उसने इस मानसिक चलचित्र को इतनी बार दोहराया कि वो एक आदत सी बन गई। कुछ सप्ताह के बाद उसके वकील ने फोन करके ये पुष्ट कर दिया कि जिस कल्पना को वो सच मानकर महसूस कर रही थी वो वास्तव में सच ही थी। धार्मिक प्रवचन का मंतव्य यह था जब उसने लिखा था, मेरे मुंह से निकले शब्द और मेरे हृदय का चिंतन हे ईश्वर आपकी दृष्टि में स्वीकार्य हो, मेरी शक्ति और मेरा मुक्तिदाता बने। मानसिक दबाव या जरूरत से ज्यादा प्रयास घबराहट और भय के प्रतीक हैं। ये आपके परिणाम में बाधा पहुंचाते हैं। परिणाम पर भरोसा करें। आपका मन जब शांत है और तब विचार को स्वीकार करते हैं तो आपका अवचेतन आपके विचार पर काम करना शुरू कर देता है। परंपरागत तरीकों से हटकर स्वतंत्रता पूर्वक सोचें और उसको लागू करने की योजना बनाएं। ये जान लें कि प्रत्येक समस्या का समाधान हमेशा संभव है। अपने हृदय की धड़कन, अपने फेफड़ों की सांस या अपने किसी अंग के कामकाज को लेकर अधिक चिंता न करें। अपने अवचेतन मन पर भरोसा रखें और हमेशा कहते रहें, दैवी कार्य सही दिशा में हो रहा है। स्वास्थ्य की भावना स्वास्थ्य की रक्षा करती है, धन की भावना धन दिलाती है। आप कैसा महसूस करते हैं? कल्पना आपका सर्वाधिक शक्तिशाली आयाम है। सौंदर्य और शुभ समाचार की कल्पना करें। आप वही हैं जिसकी कल्पना आप अपने लिए करते हैं। सोते समय अपने चेतन और अवचेतन मन के बीच मतभेद को दूर रखें। सोने से पहले अपनी इच्छा की पूर्णता के बारे में बार बार सोचें। शांति से सो जाएं और आनंद में उठें।